नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक छोटे से कंपनी के बारे में जो देने जा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट मतलब होता क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि एक शेयर के बदले 10 शेयर, एक शेयर के बदले 20 शेयर, एक शेयर के बदले 5 शेयर भी मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्टॉक स्प्लिट का रेशियो क्या है वो देखेंगे, उसके बाद कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट, बैलेंस शीट पूरे डिटेल में देखने वाले, और कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था उसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने सेट किया। तो यहाँ पे नया रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी चेक करेंगे, लेकिन उनके स्टार्ट में बिग डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक ले रहे तो वहाँ पे खुद का स्टडी जरूर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले यूनाइटेड वैन डेर हॉस्ट लिमिटेड के बारे में, यानी UVDHL स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 288 रुपये, और अब तक की जर्नी में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। यहाँ पे जो स्टॉक है 2022 के बाद लगातार रॉकेट बनता ही जा रहा है, अपने शेयरों को यहाँ पे लगातार रिटर्न देता ही जा रहा है। ये तो क्या कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, तो कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रीवियस हिस्ट्री देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे कंपनी का बिजनेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स या फिर खनन और अन्य प्रकार जो भी सर्विसेज रहते हैं यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस तो ठीक ठाक है, आने वाले समय में जितना ज़्यादा पेट्रोकेमिकल या फिर जो समुद्र के अंदर के जो भी सर्विस रहते हैं उस रिलेटेड बिजनेस बढ़ता है, तो यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। ये तो गए इनके बिजनेस के बारे में, अब जान लेते हैं फंडामेंटल्स, उसके बाद जंप कर लेते हैं एक्चुअल न्यूज़ के ऊपर, वो है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 178 करोड़, कंपनी बहुत ही छोटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 5% के आसपास, इसके अलावा कंपनी कोई भी डिविडेंड देती नहीं है, वो है 0%, और जो पी रेशियो है थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है स्टॉक, वो है 68 के आसपास। ये तो गए इनके फंडामेंटल के बारे में, अब देख लेते हैं एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में। तो जैसे कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, 2021 में 36 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 2 करोड़, 2023 में 2 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो आप लोग सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर लगातार बढ़ रहा है, एक अच्छा साइन है, प्रॉफिट बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे कंपनी के लिए। ये तो कि इनके प्रॉफिट के बारे में कर्जा जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे कंपनी डूब सकती है। तो यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है 22 करोड़, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज है लगभग 4 करोड़ के आसपास। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का जो कर्ज है मिला के 30 करोड़ के आसपास, तो ठीक ठाक कर्ज है, कंट्रोल में कर्ज है, कंपनी की साइज कर्जे से ज़्यादा है। ये तो हो गए कंपनी के अच्छे पॉइंट, अब जान लेते हैं यहाँ पे बोनस के बारे में। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, सॉरी स्टॉक स्प्लिट के बारे में आप लोग चेक कर सकते हैं, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:2 का स्टॉक स्प्लिट, जो ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपये, इसको चेंज करके नया फेस वैल्यू होने वाला है 5 रुपये, यानी आप लोगों को मिलेगा एक शेयर के बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर रहेंगे तो उसके बदले मिलेंगे 20 एक्स्ट्रा शेयर। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसका रिकॉर्डेड कंपनी ने चेंज किया है, पहले था 21 मार्च, इसको चेंज करके नया हो गए 26 मार्च। तो जो भी 26 मार्च से पहले खरीद लेगा उनको ये स्टॉक स्प्लिट मिलेगा, जो भी 26 मार्च और उसके बाद बाय करने की कोशिश करेगा उनको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा। कभी भी रिकॉर्ड डेट से 1 बिजनेस डे माइनस करना है, जो भी डेट आता है उससे पहले आप लोगों को स्टॉक खरीदना होगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये तो हो गया अच्छे पॉइंट, अब जान लेते हैं रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 72% के आसपास, पब्लिक है 27%, इसके अलावा है यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो है 0.02%, मतलब बहुत ही कम है। अभी तक बड़ी कंपनियाँ बड़े लोग यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो रिस्क ये है कि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती है तो प्रमोटर अपना पूरा माल बेच सकते हैं किसको, पब्लिक को, और टॉप लेवल पर कौन अटक जाएगा, पब्लिक, ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक रिस्क है वो स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है स्टॉक पिछले 2-3 महीने से, आप लोग चेक कर सकते हैं ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे स्टॉक में कैसा होता है, बोनस के बाद स्प्लिट के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, जो स्टॉक है 20% 30% गिर सकता है आने वाले समय में, यानी कि स्प्लिट के बाद, ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो था आज के ऑडियो, यहाँ पे जो भी पैसा लगा रहे खुद का स्टडी करने के बाद बाय सेल और होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट 10,000 20,000 1,00,000 2,00,000 ऐसे स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, सीखने के लिए 1-2 क्वांटिटी लेके चल सकते हैं। ये तो था आज के ऑडियो यहाँ पे छोटे से कंपनी के लिए जिसका नाम था UVDHL, यानी यूनाइटेड वैन डेर हॉस्ट लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब